नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ के लिए सेकंड चैप्टर द्रव्य तथा उसकी प्रकृति का अध्ययन करने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको द्रव्य और उससे जुड़े हुए अनेक जानकारियों के बारे में अध्ययन करना है। इनमें से सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि द्रव्य क्या होता है। इसके बाद हमें ये पता करना है कि द्रव्य की प्रकृति यानी कि उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि द्रव्य किसे कहते हैं। हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में अध्ययन किया है, फिर भी अभी मैं आपको बता देता हूँ द्रव्य क्या होता है। प्रत्येक वह पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन एक द्रव्य है, क्योंकि इसे रखने के लिए स्थान की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपका कंपास बॉक्स कम्प्लीटली भर जाएगा, तो अगर आप सोचते हैं कि उसमें रख दिया जाए तो पॉसिबल नहीं है। ये थोड़ी जगह लेगा, लेकिन इसे रखने के लिए जगह की आवश्यकता होगी, यानी कि ये स्थान घेरता है। दूसरी चीज़, इसमें द्रव्यमान है। जब इसे छोड़ेंगे तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ जाता है, यानी इसका अपना कैरेक्टर द्रव्यमान है। और इसे छूकर और देखकर हम इसे महसूस भी करते हैं, यानी ये मानकर एक द्रव्य है। इसी तरह से पूरा ब्रह्मांड और पूरी प्रकृति दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, एक द्रव्य और एक एनर्जी। तो एनर्जी की बात हम नहीं करते इस चैप्टर में, हमें जानना है द्रव्य के बारे में। तो द्रव्य की सबसे छोटी इकाई पर चलते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ यानी कि प्रत्येक द्रव्य बहुत बारीक छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, एकदम स्मॉलेस्ट, इतने छोटे टुकड़े जिसे आप सोच भी नहीं सकते। यानी जैसे आप अपनी लाइफ में सबसे छोटा पार्टिकल क्या देखे होंगे, अधिक से अधिक यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर आपने देखी होगी तो धूल और मिट्टी के कण देखे होंगे, एकदम बारीक पार्टिकल्स देखे होंगे। लेकिन आप सोचिए, आपके उस धूल मिट्टी के छोटे पार्टिकल, स्मॉलेस्ट एकदम छोटे पार्टिकल से 10 करोड़ गुना छोटा, यानी कि आपके स्केल में जो 1 मिलीमीटर की लेंथ होती है, उस 1 मिलीमीटर के 10 करोड़ बराबर बराबर टुकड़े करिए, उसमें से एक टुकड़ा निकाला जाए तो वो परमाणु कहलाता है। और वही परमाणु अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। हमारी इस प्रकृति में प्राकृतिक रूप से परमाणुओं की संख्या 92 है। 92 प्रकार के मूल परमाणु हैं, उनके संगत परमाणु और भी हैं, तो कुल 200 या 250 प्रकार के परमाणु हो जाते हैं, पर मूल रूप से 92 है। और कृत्रिम रूप से और उसे बनाते हुए वैज्ञानिकों ने उसे 118 प्रकार का कर दिया है। अंतिम प्राकृतिक परमाणु यूरेनियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 92 होता है। इसकी डिटेल आपको आगे की क्लास में या आगे के चैप्टर्स में मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं पदार्थ की। तो पदार्थ की सबसे शुद्धतम रूप होता है तत्व। जैसा कि अभी बताया आपको कि परमाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट यानी 1 मिलीमीटर से करोड़ गुने छोटे होते हैं। तो अगर हम कोई तत्व या कोई पदार्थ 1 मिलीमीटर का छोटा टुकड़ा भी लेते हैं तो उसमें 1 करोड़ परमाणु आ जाएंगे। अब 1 करोड़ परमाणु आएंगे तो वो परमाणु किस प्रकार के होते हैं, इसके आधार पर पदार्थों को कई भागों में बांट दिया गया, जिनमें से सबसे पहला भाग हम होता है तत्व। तत्व क्या है? जब अनेक परमाणु या लगभग सभी परमाणु एक ही प्रकार के हों और जुड़ करके और बड़े आकार में पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम तत्व कहते हैं। यानी कि तत्व पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप है, इससे अधिक शुद्ध पदार्थ नहीं हो सकता। जैसे आयरन यानी लोहा, आप लोहे की एक बड़ी छड़ ले लीजिए, तो उसमें अगर करोड़ों इंटू करोड़ों परमाणु हैं तो सभी के सभी परमाणु बिल्कुल एक जैसे होंगे। अतः तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे सोडियम, सोना, चांदी,
लोहा, कॉपर, मरकरी, ये सभी के सभी तत्व कहलाते हैं। आप ऐसे इमेज करिए, आप ऐसे तुलना करिए कि आप किसी कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्री में गए और वहाँ पर थम्सअप की बहुत सारी बोतलें पड़ी हैं, 125 लीटर या 500 लीटर। अगर 1 करोड़ बोतलें होंगी तो आप देखिए सभी बोतलें बिल्कुल एक जैसी होंगी, सबकी लंबाई एक बराबर होगी, सबका कलर एक जैसा होगा, सबके रैपर एक जैसे होंगे, सब में भरा हुआ पदार्थ एक बराबर होगा, यानी सब कुछ एक बराबर। एक बोतल हटा के वहाँ दूसरा बोतल रख दिया जाए तो आप अंतर नहीं पता कर पाएंगे कि यही बोतल वहाँ थी या नहीं थी, यानी एकदम दिखने से लेकर के कार्य तक सब एक बराबर हो, उसे एक समान कहते हैं। वैसे ही परमाणु बिल्कुल एक बराबर हो, जिनका कार्य एक जैसा हो, जिनके भौतिक और रासायनिक गुण एक जैसे हो, और वो जब जुड़ करके और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे तत्व कहते हैं। अतः तत्व की परिभाषा कि वह शुद्ध पदार्थ जिसमें सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं उसे तत्व कहते हैं। जैसे सोडियम में सभी परमाणु सिर्फ सोडियम के होंगे, एक जैसे होंगे। जैसे लोहा यानी कि आयरन में सभी परमाणु बिल्कुल एक जैसे होंगे, एक समान होंगे। तत्व के बाद दूसरे नंबर पर आता है यौगिक। यौगिक क्या है? जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे से मिलकर नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। यह नए प्रकार के पदार्थ से मतलब है कि वो बना हुआ पदार्थ दो या दो से अधिक प्रकार के जो परमाणु हैं या जो तत्व हैं उनमें से किसी के गुण जैसा नहीं होगा। फिर से ध्यान दीजिए, यौगिक क्या है? जब दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें, हाइड्रोजन एक गैस है और यह गैस विस्फोट के साथ जलती है। जब आग लगेगी तो भयंकर ब्लास्ट करती है और ब्लास्ट के साथ ही जलती है। जबकि ऑक्सीजन ये भी एक गैस है, इसे तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, हम श्वसन क्रिया में भी इसका उपयोग करते हैं। ये ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। जहां ऑक्सीजन होगी वहीं पर पदार्थें जलेंगी, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी पदार्थ नहीं जलेगा। यानी सिंपल कंडीशन, हाइड्रोजन विस्फोट के साथ जलती है और ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। पर जब ये दोनों गैसें मिल करके और एक नए प्रकार के पदार्थ यानी जल का निर्माण करती हैं तो जल ना तो जलती है और ना ही जलने में सहायता करता है, ये तो उल्टे जल आग को बुझा देता है। यानी ये न जलेगा और ना जलने में सहायता करेगा, अर्थात ये बना हुआ नया पदार्थ में ना तो हाइड्रोजन का गुण है और ना ही ऑक्सीजन का गुण है, इसका कैरेक्टर ही बदल गया। इसी को कहते हैं यौगिक। यानी यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। चलिए यहां बता देता हूं आपको, यौगिक वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है तथा
बने पदार्थ का जो गुण होता है उन दोनों ही तत्वों में से किसी के जैसा नहीं होता। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात में मिलने से जल बनता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के निश्चित अनुपात में मिलने से अमोनिया यानी कि NH3 बनती है। इसी तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर के मिलने से सल्फ्यूरिक अम्ल मिलता है, सोडियम और क्लोरीन के मिलने से नमक यानी NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है। ये सभी यौगिक हैं। यौगिक के पार्टिकल से भी हम उनके एक एक पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते, एक एक अणु को अलग नहीं कर सकते, सभी एक जैसे ही होंगे। यानी कि तत्व में सभी परमाणु एक जैसे होते हैं और यौगिक में सभी अणु एक जैसे होते हैं। इनमें से यानी यौगिकों में से सोडियम और क्लोरीन को आसानी से हम अलग नहीं कर सकते, कुछ रासायनिक विधियों को छोड़ दें तो इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अब आता है मिश्रण, अगला हेडिंग आपका मिश्रण। जब दो या दो से अधिक यौगिक या पदार्थ बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाए जाएं, तो उसे मिश्रण कहते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कितनी मात्रा में आपको दो पदार्थों को मिलाना है, इसमें जरूरी है दो परमाणु हाइड्रोजन के और एक परमाणु ऑक्सीजन का, यानी परमाणु संख्या के आधार पर दो संबंध एक और द्रव्यमान के आधार पर एक संबंध आठ का अनुपात होगा, तभी जल बनेगा। परंतु यौगिक मिश्रण में कोई जरूरी नहीं है कि किस अनुपात में मिलाएंगे, यानी कि जब आप शक्कर को जब आप घोलते हैं इसके अंदर पानी के अंदर, तो ये जरूरी नहीं होता कि आप कितना शक्कर पानी में घोलेंगे तभी घुलेगा। कोई जरूरी नहीं कि एक गिलास पानी में आप एक चम्मच शक्कर घोलेंगे तभी घुलेगा और दो चम्मच या आधा चम्मच कर देंगे तो नहीं घुलेगा, घुल सकता है। तो मिश्रण में दो पदार्थों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। अब ये मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, जिनमें मिश्रण का पहला प्रकार होता है समांगी मिश्रण और दूसरा प्रकार होता है विसमांगी मिश्रण। समांगी और विसमांगी किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक समान रूप से एक दूसरे में मिश्रित हो जाए, वितरित हो जाए, तो उसे समांगी मिश्रण कहा जाएगा। जैसे पानी में शक्कर डालकर चम्मच से उसे घोल दीजिए, उसके बाद आप शक्कर के पार्टिकल और पानी के पार्टिकल को अलग अलग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आप ऊपर से एक चम्मच शक्कर विलयन निकालिए और पीजिए, या उसके नीचे तल से एक चम्मच निकालिए और पीजिए, दोनों बराबर मीठा लगेगा, तो ये समांगी हुआ। लेकिन पानी में आप रेत यानी बालू घोल दीजिए और घोल कर उसे हिलाइए और थोड़ी देर तक छोड़ दीजिए, देखिए बालू के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे और पानी ऊपर आ जाएगा। तो ये दूसरा वाला यानी पानी में रेत का विलयन मिश्रण, ये वी समांगी हुआ, और पानी में शक्कर का जो मिश्रण है ये समांगी विलयन हुआ। अतः हम ये कह सकते हैं कि मिश्रण भी दो प्रकार के होंगे, समांगी और विसमांगी। समांगी मिश्रण को ही वास्तव में विलयन कहा जाता है, यानी समांगी मिश्रण कहलाएगा विलयन और विसमांगी मिश्रण को केवल मिश्रण के नाम से ही जानते हैं। यानी विसमांगी मिश्रण मतलब मिश्रण और समांगी मिश्रण का मतलब होता है विलयन।